अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले तो अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दें, ताकि इस तरह की मज़ेदार अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो सबसे पहले आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल राइस, जिसमें मैंने पैन में हाफ कप ऑयल डाल के चॉप्ड किए हुए गार्लिक को ऐड कर दिया है और उसको अब हम फ्राई करेंगे। चमचा चलाते रहें ताकि ये बर्न ना हो, क्योंकि फिर बर्न की स्मेल अगर इनिशियली बेस पे आ जाती है रेसिपी में तो बाकी का भी जो टेस्ट है वो रुइंड हो जाता है। अच्छा, ये रेसिपी बहुत आसान है और आप लोग फटाफट बना सकते हैं जल्दी जल्दी। अगर कोई मेहमान आ जाए और आपके पास वेजिटेबल मौजूद हैं घर के अंदर, तो ये बहुत ही क्विक और ईजी और मज़ेदार सी डिश तैयार हो जाती है। तो चलें फिर नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। देखें, जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए आपका गार्लिक, तो आपने उसके अंदर वेजिटेबल ऐड कर देनी है। मैं ऐड कर रही हूँ पीस, कैरेट एंड ग्रीन पेपर फर्स्ट, ताकि मैं उसको फ्राई कर सकूँ विद द गार्लिक, ताकि गार्लिक का भी टेस्ट इनमें आ जाए। आप कोई भी अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इनको आपस में अच्छे से मिक्स कर लें, आप एक दो मिनट पका लें इसको। फिर उसके बाद, क्योंकि मेरी फेवरेट वेजिटेबल्स में एक कॉर्न भी है, तो मैंने उसको भी ऐड किया है और उसको भी मिक्स करके अच्छे से पका लूँगी इन वेजिटेबल्स के साथ, ताकि इसके अंदर भी जो है वो गार्लिक का टेस्ट अच्छे से आ जाए। ठीक है, आपने इतनी नहीं पकानी कि वो ओवर कुक हो जाए, और इतनी भी नहीं बनानी कि वो बिल्कुल अंडर कुक हो। उसके बाद अब हसबे ज़ायका नमक इस्तेमाल कर लें। मैंने 2 टेबलस्पून के करीब डाला था। मैंने गार्लिक पाउडर यूज़ किया है, क्योंकि गार्लिक पाउडर मुझे हर खाने की रेसिपी में बहुत अच्छा टेस्ट को इन्हेंस करता है। उसके बाद मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है, उसका भी 1 टेबलस्पून है। मैंने अपनी मेजरमेंट ऐसे अंदाज से कर ली, क्योंकि मैं ज़्यादातर कुकिंग ऐसे कर लेती हूँ। और उसके बाद वाइट पेपर ग्राउंड हुआ, वो भी मैंने 1/2 चम्मच डाला है। उसके साथ फिर आप इसको थोड़ी देर पकने के लिए रख दें, ताकि जो वेजिटेबल हैं वो अच्छे से गल जाएं। उसके बाद मैंने 1 कप इसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस ऐड किया है, इसमें फ्लेवर ऐड करने के लिए, क्योंकि इससे जो है ना वेजिटेबल के साथ मिक्स होके जब पकेगा तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो फिर एट दिस पॉइंट मैं जो हूँ 1/2 टेबल स्पून ऑफ ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ। उससे ये होता है कि वेजिटेबल ज़्यादा बर्नी होती और उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। तो इस तरह उसको डाल के थोड़ा सा पका लें। अब ये देखिए, इस तरीके से ग्रेवी सी बन जाएगी जो मैंने सॉस डाला है, और सारे वेजिटेबल के अंदर जो है उसका टेस्ट बहुत अच्छे से मर्ज हो जाएगा। उसके बाद जब आप देखें कि वेजिटेबल अबाउट टू बी रेडी है, तो मैंने उसके अंदर 3 कप राइस ऐड कर दिए हैं, जो मैंने सिर्फ वॉश करके भिगोए नहीं थे, और इसको मैंने इनमें डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया है। और देखें, फिर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये अच्छे से चावल जब मिक्स हो जाए, तो मैंने इसके अंदर 1 कप भर के पानी डाल दिया है, और उसको फिर एक दफ़ा और मिक्स कर दें, क्योंकि कहीं से फिर अनकुक्ड ना रह जाए। फिर आपने मीडियम आँच से थोड़ा ज़्यादा पकाना है, कि देखिए इस चावलों की कंडीशन में 1 कनी रह जाए। ठीक है ना, ये देखिए ये 1 कनी रह गई, और पानी की जो मिकदार है वो इस तरीके से। फिर आप उसको ढक दें और उसको तब तक पकाएं जब तक अच्छे से इसमें दम ना लग जाए, तो स्टीम ना निकल जाए। तो आप उसको बार बार खोल के देखिएगा नहीं, क्योंकि जब एकदम सब स्टीम निकल जाती है तो फिर जो है चावल सही से गलते नहीं हैं, और फिर जो है वो ख़राब हो जाते हैं। तो प्लीज़ इसका बहुत ख्याल रखिएगा। तो अब देखें, ये स्टीम हो रहे हैं, और अब देखें 10 से 15 मिनट के अंदर स्टीम किस तरह से आपको नज़र आने लगेंगी। तो देखें, अब बिल्कुल ऑलमोस्ट रेडी है, और मैंने 1-2 मिनट और पकाया होगा। तो अब आप ये देख लें कि ये किस तरीके से मज़ेदार किस्म के तैयार हो चुके हैं, और इसमें मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है। फिर आप चाहे तो गार्निश करने के लिए, मैंने ग्रीन अनियन को काट के रखा था, वो मैंने अच्छे से गार्निश कर दिया। तो होपफुली आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और अगर शेयर करेंगे तो क्या ही बात है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।